प्यारे ते सत्कारित दर्शकों, आओ अज तुहानू लैके चलदे हाँ एक अजिही थां ते जिथे रहण वाले ओ लोग हन जो समाज वलों तिरस्कारे गए। ये स्थान है प्रभ आसरा कुराली ते खरड़ दे तकरीबन विचकार वसिया होया ए अपनी किस्म दा पिंड जिथे अज मानसिक सेहत जागरूकता कैंप दा आयोजन किया गया है। तो इस पिंड दे निवासी हन ओ छोटे छोटे बच्चे, ओ बजुर्ग, ओ औरतां जिन्हां नू या तां मानसिक रोग दे कारण उन्हां दे परिवारां वलों छड़ दित्ता गया बेसहारा करके, ते या बुढ़ापे दे विच उन्हां दे ही बच्चियां वलों सहारा ना बनदे हुए उन्हां नू रुलन वास्ते छड़ दित्ता गया। लवारिस लोग इस पिंड की जू दे विच किस तरह विचरदे हन इस बारे असीं अगले कुछ समय गल करांगे ते वेखांगे इत्थों दे बच्चियां वलों तैयार किया गया एक रंगारंग प्रोग्राम। इस समागम विच पहुंचण वालियां शख्सियतां विच सरदार जगमोहन सिंह कंग साबका कैबिनेट मंत्री, गुरप्रीत सिंह कुगी पंजाब दे नामवर कलाकार, ते बलविंदर सिंह विक्की जिन्हां लोग चाचा रौनकी राम दे नां नाल बड़ी चंगी तरह जानते ने। इन्हां तों इलावा होर बहुत सारे कलाकार, नेता, उच्च अधिकारी इस समागम विच पुजे। साबका IAS जसवीर सिंह वीर जी भी इस मौके पर हाजिर सन। इस सारे समागम का काम इतों के करता धरता भाई शमशेर सिंह जी ते उन्हां दी धर्मपत्नी बीबी रजिंदर कौर जी वालों बड़े ही सुचजे ढंग नाल निभाया गया। इतों दियां बच्चियां ने परमात्मा के नां नाल इस प्रोग्राम की शुरुआत की।
ਬੱਚੀ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਉਹਦਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਟਹਿ ਲੈਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਟਹਿ ਲੈਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੜਨਾ ਨੀ ਪਿੱਛੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੇ ਔਖੀਆਂ ਮੁੜਨਾ ਨੀ ਪਿੱਛੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੇ ਔਖੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜੰਨਤ ਹੋਊਗੀ ਸਾਂਭ ਰੱਖ ਬਾਪੂ ਹੰਝੂ ਕਮਾਉਣਗੇ ਧੀ ਤੇਰੀ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਹੂਗੀ ਸਾਂਭ ਰੱਖ ਬਾਪੂ ਹੰਝੂ ਕਮਾਉਣਗੇ ਧੀ ਤੇਰੀ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਹੂਗੀ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖੇਡਿਆ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਹੋਈ ਦਾ ਜਵਾਨ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜੇਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜੇਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਪਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਕ ਹੋਊਗੀ ਸਾਂਭ ਰੱਖ ਬਾਪੂ ਹੰਝੂ ਕਮਾਉਣਗੇ ਧੀ ਤੇਰੀ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਹੋਊਗੀ ਸਾਂਭ ਰੱਖ ਬਾਪੂ ਹੰਝੂ ਕਮਾਉਣਗੇ ਧੀ ਤੇਰੀ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਹੋਊਗੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏਗੀ
मैं संस्था का बच्चा शेर सिंह उन्हें स्टेज पर बुलावगा। मैनू मेरे मालका औकात विच रखी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं जिहड़ा गीत तुहाडे सामने पेश करन जा रहा, मैनू उम्मीद है तुहानू सब नू बहुत 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 पसंद आए। चंगे चाहे माड़े तू हालात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी। चंगे चाहे माड़े तू हालात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी। हर वेले साइया तेरा शुक्र मनावा मैं, सुख होवे दुख होवे तेनू ना भुलावा मैं। हर वेले साइया तेरा शुक्र मनावा मैं, सुख होवे दुख होवे तेनू ना भुलावा मैं। नीवापन मेरे जज्बात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी। रुतबाना मंजदा मैं ओदा नहीं ओ मंजदा, रुतबाना मंजदा मैं ओदा नहीं ओ मंगदा। साइया मैं दीवाना तेरे सेवका दे संगदा, रुतबाना मंगदा मैं ओदा नहीं ओ मंगदा। साइया मैं दीवाना तेरे सेवका दे संगदा, मैनू सेवादारा दी तू जमात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी। चंगे चाहे माड़े तू हालात विच रखी, चंगे चाहे माड़े तू हालात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी। पागा वाली तेरी मेरी जदों मुलाकात हो गई, पागा वाली जदों कदे तेरी मुलाकात हो गई, जदों मेरी चोली विच पौनी कोई दात हो गई, जदों मेरी चोली विच पौनी कोई दात हो गई। शरदा ते सबर भी तू सौगात विच रखी, शरदा ते सबर तू सौगात विच रखी, मैनू मेरे मालका तू औकात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी। चंगे चाहे माड़े तू हालात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी। चंगे चाहे माड़े तू हालात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी। हक ते हलाल वाली रुखी सुखी खावा मैं, जदों कुछ पावा साइया होर चुक जावा मैं। हक ते हलाल वाली रुखी सुखी खावा मैं, जदों कुछ पावा साइया होर चुक जावा मैं। सादापन मेरी गलबात विच रखी, सादापन मेरी गलबात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी।
चंगे चाहे माड़े तू हालात विच रखी मैनू मेरे मालका औकात विच रखी मैनू मेरे मालका औकात विच रखी चंगे चाहे माड़े तू हालात विच रखी मैनू मेरे मालका औकात विच रखी मैनू मेरे साईया औकात विच रखी मैनू मेरे मालका औकात विच रखी मैनू मेरे साईया तू औकात विच रखी। धन्यवाद जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। केना सुख लेंदा है यो केना सुख लेंदा है यो खबर लाज मेरी मानू ना दस्यो मेरा की हाल मेरी मानू ना दस्यो मेरे परदेसी वीरो वटना नू जान वाले यो मेरा की हाल मेरी मानू ना दस्यो रब वर्गी माँ मेरी दे मेरे सिर कर जबड़े ने ओनू हर खुशी वखामा मेरे भी फर्ज भरे ने दिल ते एला बैठा माँ किन्ने गल पा बैठा माँ फितरा गो जाल मेरी मानू ना दस्यो मेरा की ये हाल मेरी मानू ना दस्यो मेरे परदेसी वीरो वटना नू जान वालियो मेरा की ये हाल मेरी मानू ना दस्यो अमरी दे सिने लग दिल दा कर है बथेरा एथे वीरे ना पैना पत्थर जा कर के जेरा मेरे पिंड होन महले मेरे पिंड होन चहले लगने कई साल मेरी मानू ना दस्यो मेरा की हाल मेरी मानू ना दस्यो मेरे परदेसी वीरो वटना नू जान वालियो मेरा की हाल मेरी मानू ना दस्यो मारी जिंदगानी खातिर रख लेना सच लुका के नी मेरे पिंड नुहार के दस्यो ना कुछ भी जाके जावे एन मोल मेरी माँ जावे एन ढोल मेरी माँ ऐसा कोई हाल मेरी मानू ना दस्यो मेरा की हाल मेरी मानू ना दस्यो मेरे परदेसी वीरो वटना नू जान वालियो मेरा की हाल मेरी मानू ना दस्यो मेरा की हाल मेरी मानू ना दस्यो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मोहब्बत का पैगाम देन वाली सिख कौम का सिपा सलार भाई कन्हैया श्री आनंदपुर साहिब दे रणतत्ते मैदान विच दुश्मन आके अपने नूं पानी पिला रहे हन ते मोहब्बत का पैगाम सारी दुनिया नूं दे रहे हन ते इस दृश्य नूं असी कविशी राही इउं बयान कर रहे हां। अत जुलम आदि मचे पाया आनंदपुर केरा बैठा खालसा गुरां दा ठोके किवें विच देरा इक पासे दशमेश दूजे पासे बादशाही वंडे प्यार दे खजाने ओ मां पता दराई ना कोई वैरी ना बेगाना सब नाल बने आई ना कोई वैरी ना बेगाना
छोटे बच्चों की आप जी ने कविता सुनी। हूँ साढ़े इनहैबिटेंट्स फीमेल चिल्ड्रन आ ये तुम छोटी जी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। वेलकम। सेक्रेटरी डॉक्टर डॉक्टर नितिन जी पहला वो आप जी नाल विचारों की सांझ पाउंगे, फिर डॉक्टर रविंदर जी साढ़े वो भी दो मिनट लाउंगे, तो डॉक्टर साहब डॉक्टर नितिन जी ये आप जी नूं दसणगे मैंटल हैल्थ की चीज़ है। अज के दिन इतने सारे आए पतवंते सज्जना मेरे वालों सत श्री अकाल। अज प्राबसरा संस्था वालों मैंटल हैल्थ अवेयरनैस का दिन मनाया जा रहा है। मई का महीना मैंटल हैल्थ अवेयरनैस मंथ के तौर पर सारी दुनिया से मनाया जाता है। अक्सर गल करते हैं कि हम एक टीवी वाले ने गल कर रहा कि लोड़ की है इस अवेयरनैस मंथ की। मानसिक बीमारियाँ शारीरिक बीमारियों तो क्यों वख ने, वक्री डिस्कशन की लोड़ की है। सब तो पहला शुरुआत करते हैं कि शरीरिक तौर पर बीमार इंसान सानू बीमार लगता है क्योंकि उन्हें फिजिकल सिम्टम नज़र आ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होंगे कि मानसिक बीमारी नाल पीड़ित लोगों के सानू लक्षण नज़र नहीं आते या असं देखना नहीं चाहते, तो उस कारण बहुत जरूरी है कि इस बारे सोसाइटी पद्धर से
इंडिविजुअल पद्धर से एक अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि मानसिक बीमारियां होंदियां की है। मानसिक तौरियां बीमारियां जिस मोटे तौर पर डिविजन करने की कोशिश करिए तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिहड़ियां जन्म तो बच्चे के नाल होंदियां है, जिवें कि जे किसी बच्चे की समझ समर्था बाकी बच्चों नाल घट है जिन्हों असीं आम भाषा च मंद बुद्धि कहने हैं वो बीमारी, या परवेजिव डिवेलपमेंटल डिसऑर्डर जिन्हें ऑटिज़म या इनके नाल दे मिलदी कुछ रोग आते हैं, या लर्निंग डिसेबिलिटी, ये परेशानियां बच्चे नूं जवानदरू तो टाइम तो नाल होंदियां ने। उस तो इलावा कुछ बीमारियां ऐसियां जिहड़ियां जिवें जिवें बच्चा बड़ा होंदा है 10 साल 12 साल 14 साल 16 साल इस टाइम पर लक्षण सामने आने शुरू होंदे हैं। इन्हां बीमारियां नूं असीं मोटे तौर पर दो च डिवाइड करते हैं, एक साइकोसिस ते एक न्यूरोसिस। बड़ी टैक्नीकल टर्म ने सुनने च, मैं सिंपलीफाई करने की कोशिश करांगा। साइकोसिस वो बीमारियां ने जिंदे च मरीज़ नूं अपनी बीमारी बारे नहीं पता होंदा, वो अवेयर नहीं होंदा, वो किसी वक्री दुनिया च रह रहा है, उहदे वास्ते उहदी दुनिया सच्चाई है, उहनूं कन्नां च आवाज़ां सुनाई देनगियां, कुछ चीज़ां दिखाई देनगियां जो बाकियां नूं दिखाई नहीं दे रहीयां, लोकां ते शक वहम होएगा, उहदी गल्लां नूं सुन के लगेगा कि किवें दी कहानियां बना रहा है, तां एग्जिस्ट ही नहीं करदियां, पर उहदे वास्ते उह सच्चाई है। तां डेफिनेटली उस बंदे नूं ये नॉलेज नहीं होएगी कि मैनू ये बीमारी है। दूसरी बीमारियां न्यूरोसिस जिन्हों असीं कहिंदे आ, जिंदे च डिप्रेशन ते एंगजाइटी मोटे तौर पर बीमारियां देखियां जांदियां ने, जिंदे च बंदे नूं पता होंदा है कि मैं बीमार हाँ, वह उदास फील करता है, लोगों नाल गल ना करन दा दिल करना, बेचैनी रहना, घबराहट होना, कोई इक्को तरह के विचार दिमाग च वार वार आना। जदों तां ये बीमारियां शुरू होंदियां ने, जिन्नी जल्दी असीं इन्हां नूं डायग्नोस करांगे, जिन्नी जल्दी असीं इन्हां नूं अटेंशन देवांगे, उन्ना इन्हों का ठीक होने के चांस ज़्यादा होंगे है। जिमें जिमें बीमारियां पुरानी होंदिया जाना के लक्षण भी बढ़ते जाते हैं, मरीज़ अपनी अपने आप की केयर कर पाना, अपनी रख रखाव संभाल कर पाना ये नहीं कर पाता। तो सब तो पहला इतों मैं टेक होम मैसेज देना चाहूँगा कि सानू सारियां जरूरत है कि जिस सानू साढ़े किसी लवड वन साढ़े सोसाइटी के किसी मैंबर उनके बिहेवियर कोई भी शुरुआती चेंज नज़र आ रहा है कि पहला तो यह ठीक बिहेव करता सी, हूँ पता नहीं इन्हों हो गया पिछले कुछ दिनों तो इवें अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। तो असं एवें ही कर रहे हैं बजाय कि इनू कोई बीमारी तो नहीं हो रही, कि किसी पद्धर से परेशान फील तो नहीं कर रहा, असं उन्होंने अटेंड करने की कोशिश करिए। जोड़ा मरीज़ है वो भी शुरुआती दिन सोचता है कि जो मैं मानसिक बीमारी की गल कराँगा तो मैं वीक लेवल किया जाएगा, लोग मैं जज करे, मैं मार्जिनलाइज कर देंगे, मैं स्टिगमा एक मिलेगा सोसायटी। उस इंसान को भी चाहिए कि वह जल्दी तो जल्दी इस बारे गल करे। सानू एज सोसाइटी मैंबर, एज फैमिली मैंबर, एज मैंबर ऑफ लार्जर कम्यूनिटी, सानू चाहिए कि असी उन्होंने अटेंड करिए जल्दी तो जल्दी। जिवें मैं क्या जल्दी अटेंड करांगे तो प्रोग्नोसिस चंगा, असी उस बीमारियों तो बच पावांगे, उन्होंने मोटे तौर पर ठीक कर पावांगे। जिवें जिवें टाइम बीतता जाएगा उन्होंने इलाज होर मुश्किल होता जाएगा तो शायद वो बीमारी पूरी तरह से ठीक ना हो पाए। दूसरी चीज़ जी मैं डिस्कस करना चाहना वो ये कि बीमारियां है, लक्षण है, लोग गल क्यों नहीं करते, स्टिग्मा है क्यों। स्टिग्मा पहला कारण अवेयरनेस नहीं है, अपन बीमारी बारे पता ही नहीं है जो हूँ तक आप गल की। दूजी गल उस इंसान को सोसाइटी में इस पर एक डर है कि ये बारे गल करके पता नहीं की हो जाएगा। तीसरा लोगों के बहुत सारे अंधविश्वास ने मानसिक बीमारियों को लैके कि ये कोई उपरली कसर है, ये तो कोई किसी ने कुछ करा दिता है ना। अनअवेयरनैस एक गलत कंसैप्शन बहुत ने बीमारियों लैके। तो असी सारे ने स्टिग्मा तोड़ के इस तो उपर की सोच रख के इन बीमारियों जानना है। साढ़े आले दुआले साड़ी सोसाइटी जे कोई इन बीमारियों तो पीड़ित है उन्होंने हैल्प करने लिए अगे आना है। असी उन्होंने एक सहारा देना कि जो तुम बोलोगे तो तुम्हें सुनने लिए कोई है। असी एज फैमिली थोड़े लिए अवेलेबल हाँ, एज मैंटल हैल्थ प्रोफेसनल साडा फर्ज है कि साढ़े कोई भी मरीज़ किसी भी स्टेज ऑफ फिटनेस से आता है उन्होंने ये सोचने की बजाय कि असी पूरा ठीक कर सकते हैं नहीं कर सकते, असी उन्होंने एक केस के तौर पर कि हाँ एक इंडिविजुअल के तौर पर असी इनकी कितनी मदद कर सकते हैं असी पूरा उपराला करिए। इस तो इलावा एज सोसाइटी सानू सारियां जिवें अक्सर असी प्रवास्ता संस्था की जो गल करते हैं तो दिमाग चल रहा है कि जेडे लवारिस बच्चे सड़कों पर अटेंड नहीं हो रहे या घर जिन्हों अटेंशन नहीं मिल रही तो उन्होंने वास्ते समाजिक तौर पर प्रभासरा एक बहुत वधिया उपराला कर रहा है। सानू सारे समाज के मैंबरों भी ये लोड़ है कि असी अपने अपने पद्धर से जिथे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जिथे देखते हैं कि हाँ ये बंदा मानसिक तौर पर पीड़ित है इन्हों अटेंशन की लोड़ है असी उन्हें वास्ते खड़े होइए उन्हें वास्ते अगे आइए तो उन्हें मदद करने की कोशिश करिए। सो इन्ना ही कहते हुए मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा समा नहीं लाऊंगा,
ਸਰਵਤਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾਵਸਾ ਫਾਊਂਡਰ ਐਂਡ ਓਨਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰ ਐਂਡ ਲੀਡਰਸ ਐਂਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਰਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਜਲਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਔਰ ਮਾਇੰਡ ਦੋਨੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬ੍ਰੇਨ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇੰਡ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਅੰਦਰ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ MRI ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ CT ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇੰਡ ਕਿਆ ਹੈ, ਮਾਇੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਉਹ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਟਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਐਕਸਰੇ MRI 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਐਗਜਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅਲਕੋਹਲ ਯੂਜ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਗੈਟ ਫੁੱਲਨੈਸ ਰਾਤਦਾਸ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਮਾਇੰਡ ਵਾਲੇ ਸਿਮਟਮ ਉਹ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ 'ਚ ਹੈ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਣਾਈਏ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੋਨਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਤੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਮਾਰਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਸ। ਠੀਕ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਪੋਇਮ ਇੱਕ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆਰਾ ਦਾ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਜਣ ਪਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਮਤ ਜਿੱਕ ਛੱਡ ਆਹ ਆਲਸ ਵਾਲੀ ਲੱਤ ਜੀ ਪਰਬਤ ਚੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਸਿਆਉਣ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਆਂ, ਹਾਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਅੰਗ ਇਹ ਵੀ ਜੱਗ ਦੇ ਕਿਉਂ ਰੂਹਾਂ ਇਹ ਲੱਗਣ ਬੇਗਾਨੀਆਂ। ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਮੁੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਉਣ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਮਤ ਜਿੱਕ ਛੱਡ ਆਹ ਆਲਸ ਵਾਲੀ ਲੱਤ ਜੀ ਤੇ ਪਰਬਤ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ, ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵੀ, ਕਿ ਰਸਤੇ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਨੀ ਪੈਣੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣੇ, ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨੀ ਛੱਡਣੇ। ਨਕਾਰੇ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਕਾਰੇ ਨਾ ਛਲਾਵਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟਾਲਣੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣੇ। ਓਏ ਨਾ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਏ, ਓਏ ਨਾ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਏ, ਅਲਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਵੇ।
ਜਗਾ ਮਤ ਜਿਕ ਛੱਡਿਆ ਆਲਸ ਵਾਲੀ ਲੱਤ ਜਿੱਤੇ ਪਰਬਤ ਚੜ੍ਹੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਸੁਖੀ ਆਪਾਂ ਵੰਡੜੀ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਆਪਾਂ ਪਰ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਚਿਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਚਿਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਇਸ ਵਾਰਥ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬਗਾਵਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਜਿਹੀਆਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਮਤ ਜਿੱਕ ਛੱਡਿਆ ਆਲਸ ਵਾਲੀ ਲੱਤ ਜਿੱਤੇ ਪਰਬਤ ਚੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਮਤ ਜਿੱਕ ਛੱਡਿਆ ਆਲਸ ਵਾਲੀ ਲੱਤ ਜਿੱਤੇ ਪਰਬਤ ਚੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ